करते वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस यह अभी प्रेजेंट टाइम में अभी आ चुके हैं हम दशहरा मैदान के जस्ट पास। उसके थोड़े आगे ये कुछ दुकानें लग रही है जो कि गाइस मतलब होलसेल में भी ये माल सप्लाई करती है और गाइस इसी के साथ मतलब ऐसे भी देती है आपको अगर सिंगल चाहिए तो। बाकी गाइस देख सकते हो कितने मस्त मस्त झूमर वगैरह मतलब मिट्टी के नेचुरल प्रोडक्ट है। सामने देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे मतलब आकृति बनाई हुई है। ये गाइस मतलब पूरे मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं और ये देख सकते हो सारे मिट्टी के आप जितने भी यहाँ देख सकते हो। और गाइस इसी के साथ साथ मैं और अलग अलग मतलब ये चीज़ें बताने वाला हूँ। तो गाइस देखते रहे बस वीडियो को। ये देख सकते हो ये क्या चीज़ है कमेंट में ज़रूर बताना। भगवान बुद्ध तो गाइस देख सकते हो आप सामने कितने प्यारे प्यारे झूमर वगैरह है यहाँ पे देख सकते हो आप। तो गाइस चलते हैं आगे और फिर बताते हैं आपको। तो गाइस बस वीडियो को एंजॉय करें, गूगल लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास मेरी नई नई वीडियो आती रहे और आप उसे एंजॉय करते रहे। तो गाइस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, बस लाल बटन को दबाना है और ऑल पे क्लिक कर देना है बेल आइकन ऑल पे। तो गाइस सामने देख सकते हो मतलब हाथी बनाई हुए है, इधर से लैंप बनाया सामने देख सकते हो, ये देख सकते हो। और इससे भी अलग अलग नई नई मूर्तियाँ बनाई है, भगवान शिव की मूर्ति सामने देख सकते हो, कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनाई है मिट्टी की, वो भी देख सकते हो दिया है और बाकी डिफरेंट डिफरेंट ये देख सकते हो। और गाइस चलते हैं आगे। सही तो इधर है ये शोरूम वगैरह जो कि रोड पर ही है। गाइस चलते हैं सर्किल, वैसे भी आ चुके हैं एरोड्रम सर्किल और अभी जा रहे हैं एरोड्रम के जस्ट नीचे से। ये नीचे वाला रोड जो कि आप सामने देख सकते हो। गाइस आप कभी आए हो तो कमेंट में जरूर बताना और नहीं आए हो तो गाइस इधर देख सकते हो अभी नीचे से निकल चुके हैं और सामने जा रहे हैं। तो गाइस आगे भी बताते हैं आगे कैसा व्यू है, कैसा देखने को मिलता है आपको। तो गाइस ये है आलू वालिया जो कि देख सकते हो। तो गाइस इधर लगा देखिए एक हाथी शिवाजी की एक दुकान जो कि सामने देख सकते हो, पटाखे वगैरह इस पे रखे हैं जो पर। और देखते हैं फिर आगे चलते हैं तो ले लेते पटाखे और चलते हैं आगे। अलग से हाँ तीन सौ रुपया